गुड मॉर्निंग बच्चों। टाइम चेंज हुआ मुझे भी नहीं पता, मेरे को भी मैं तो अपने हिसाब से मुझे लगा था एक्सेल की क्लास है अभी। वो तो मैं सबको देख के मुझे पता चला कि हाँ वो आई थिंक ये एक्सेल का रिवीजन शुरू हुआ है इस वीक से, शायद उस कारण से कोई चेंजेस आए होंगे। जी बच्चों, कहाँ थे हम? क्या काम दिया था मैंने? हाँ आई है ना। एक्सरसाइज 0 आई पार्ट, कोई डाउट्स बच्चों? एक्सरसाइज 1 डन। ओके गुड। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो भी पढ़ना है हमें। हाँ जी, ये आई पार्ट बच्चों। अच्छा, इसमें कहीं कहीं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। वह तो एक ही क्वेश्चन में है, सिक्स्थ में मैं देख पा रहा हूँ। हाँ जी, देख के मुझे लग नहीं रहा कि करिए 3 है। चलो इसको करना। अब ये इसमें एक आधे बार एंगल वाले क्वेश्चंस भी हैं, ये आज हम कर लेंगे, फिर उसके बाद और प्रॉपरली हो जाएगी। So we start with the next part, which is angle of contact. हर्षित, मैं देख के कर दूंगा अभी आज अपलोड जो आप कह रहे हो।
ओके okay. बच्चों हमें ये तो पता चल गया कि सरफेस टेंशन हैज गॉट टू डू विद एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है. उसी को बच्चों हम एक और फॉर्म में पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. मतलब दिस इज रिलेटेड विद सरफेस टेंशन. तो बच्चों क्या होता है कि आपने शायद कई जगह ऑब्जर्व भी किया हो स्पेशली इन टेस्ट ट्यूब्स एटसेट्रा. तो बच्चों जैसे मान लो ये कोई पतली सी ट्यूब है, इसके अंदर जो लिक्विड होगा वो लिक्विड कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होता, स्पेशली अगर हम वाटर लेते हैं. वो कुछ इस तरीके की शेप में होता है. जिसको मिनिस्कस भी कहते हैं, शायद किसी और चैप्टर में या कहीं पे ये बात टर्म सुनी हो, है ना. तो यहां पे बच्चों हम एक टर्म डिफाइन करते हैं. देखो ये बच्चों कैसे डिफाइन होती है, ध्यान से देखना. हम बच्चों लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस मीडियम. वो ये वाला पॉइंट हो गया, देखो. ठीक है, यहां पे हम बच्चों दो टेंजेंट्स बनाते हैं. एक होता है टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, एक होता है टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस. ठीक है, और उसके बीच में एंगल मेजर करते हैं. बच्चों सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये एंगल आया ही क्यों. ठीक है, मतलब क्यों ये शेप बनती है. तो बेसिकली बच्चों ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना जो हमने लिया है, आप एक बात ये समझ रहे हो कि सरफेस टेंशन कहां पे इन्वॉल्व हो जाएगी. जहां पर भी कोई दो मीडियम इन्वॉल्व है ना, जहां पे कोई दो मीडियम की फोर्सेस आ गई, उनमें कोई अनबैलेंस है तो सरफेस टेंशन इन्वॉल्व हो जाती है. तो ये जो पॉइंट पी है, यहां पे बच्चों तीन तरीके की सरफेस टेंशन एक्ट करती हैं. कौन कौन सी? एक होएगी सॉलिड लिक्विड, एक होएगी लिक्विड गैस, एक होएगी सॉलिड गैस. ठीक है, तो हमें इसकी डिटेल्स में नहीं जाना होता. वी जस्ट नीड टू नो कि भाई हाँ, तीन तरीके की सरफेस टेंशन इन्वॉल्व हैं और इन तीनों सरफेस टेंशन्स का कुछ रिजल्टेंट बनता है जिससे कि ये एंगल थीटा आ जाता है. हम फर्दर डिटेल्स में वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो एट एनी लेवल. जस्ट नीड टू नो कि हाँ ऐसा होता है और उस कारण से ये एंगल थीटा आ जाता है. तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा जो है बच्चों, ये तीनों मीडियम पे डिपेंड करता है, सॉलिड लिक्विड गैस. तो हम आगे देखेंगे भी सही कुछ वेरिएशंस कि कैसे कुछ अलग मीडियम्स में ये थीटा एंगल चेंज हो जाता है. तो अब ये कैसे डिफाइन हुआ है, देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बच्चों. इसको हम कहते हैं एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द
लिक्विड सरफेस, एंड द सॉलिड सरफेस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस मीडिया एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द लिक्विड। देखो बच्चों, ये डेफिनेशन कवर कर रही है सारा कुछ। क्या इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में सारा कुछ? है ना, मतलब वो भी कंफ्यूजन नहीं है कि हम कहें कि टेंजेंट नीचे को क्यों बनाया, ऊपर को क्यों नहीं बनाया, या कुछ भी ऐसा। ओके, तो अब बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो वी कैन सी कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हम गैस को इग्नोर कर देते हैं, बट वी नीड टू नो कि डिपेंड तो तीनों पे ही कर रहा है। दूसरी बात बच्चों, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। ये एंगल तो ये तीनों फोर्सेस का बैलेंस करके आया है, इसमें ग्रेविटी का कोई लिंक नहीं है। तीसरा बच्चों, दिस इज इवन इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ क्यूब। मतलब अगर आप ट्यूब ऐसे टेढ़ी भी बना दोगे तो भी वो अपने आप शेप इस तरह से ही बनेगी कि वहां पे एंगल जो है वो सेम मेंटेन रहेगा। मतलब बच्चों, आप सीधी बात ये समझ सकते हो कि ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट का एक्सप्रेशन होता है ना, जैसे भी इसको डिराइव करते हैं, उसके अंदर बस यही तीन टर्म्स आती हैं, ये तीन सरफेस टेंशन, और कोई टर्म ही नहीं है। तो बस सीधा ही आपको पता है, समझ रहे हो बात बच्चों?
नेक्स्ट बच्चों, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास इज जीरो. मतलब बच्चों एक ऐसी शेप हो जाएगी एक, यहां पे गलती होती है. हम जल्दबाजी में, सही सही बताना ईमानदारी से, कितने लोगों ने, हाँ दिस ऑफ कोर्स अज्यूम्स कि थर्ड मीडियम इज एयर, जैसे मैं कह रहा था आपको कि हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं. हाँ जी, कितने लोगों ने बच्चों शेप ऐसे बनाई, सोची, 0 डिग्री ना. तो ये ध्यान रखना है, 0 डिग्री कैसे बनेगा, लाइक दिस. मतलब ऊपर जो शेप है वो बिल्कुल हेमिस्फीयर बन जाएगी, राइट. तो बच्चों इसका ना ध्यान रखना है, क्या होता है कई बार क्वेश्चंस में, कई बार तो मेंशन्ड होता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना लेना है, कई बार मेंशन्ड नहीं होता और दिया होता है वाटर ग्लास, तो फिर हमें मानना पड़ता है कि हाँ 0 है. हाँ, ये आपको जो फिनोमिना है ना, बेसिकली ये आपको देखने को तभी मिलेगा अगर आप बहुत पतली सी ट्यूब्स लोगे, मतलब टेस्ट ट्यूब्स वगैरह में, नॉर्मल नहीं ऑब्जर्व होगा आपको. ऐसे ही बच्चों ये एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर मर्करी एंड ग्लास दैट टर्न्स आउट टू बी ऑब्ट्यूज. मुझे ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, फैक्ट्स पे फैक्ट्स. मतलब बच्चों ये ना ऐसा हो जाता है कि अगर हम एक या कोई चक्कर नहीं है, सीधा वही बना लेते हैं. इस तरह से बच्चों, तो यहाँ पे जो टेंजेंट्स बनेंगे ये ऐसे बनेगा, तो ऑफ कोर्स वी कैन सी कि ये जो एंगल है वो बड़ा. कोई मतलब वैल्यू नहीं याद रखनी, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये. नेक्स्ट बच्चों, अब ये वाटर और मर्करी वाले एग्जाम्पल से बच्चों हमें एक ब्रॉडली आइडिया लगेगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट और सरफेस टेंशन का क्या रिलेशंस है. देखो बच्चों ये बताओ कि मर्करी वर्सेस वाटर,
किसकी कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है? मकरी। ये कैसे आप इस बात को मतलब वेरीफाई कर सकते हो कि मकरी की कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है? एज कंपेयर टू देयर एडहेसिव फोर्स ओनली, मतलब हमें कंपेयर करना है कि मरकरी की कोहेसिव फोर्स कंपेयर टू मरकरी की एडहेसिव फोर्स। सिमिलरली वाटर का। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर वाले फिगर से ही करो, कोई जनरल भी अगर आपको मरकरी के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन पता हो तो उसके बेसिस पे भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। बच्चों अगर मरकरी फ्लोर पे गिर जाए तो क्या होता है, कभी ऑब्जर्व किया? नहीं किया तो आज अपना एक थर्मोमीटर तोड़ के देखो घर पे, क्या होता है बच्चों मरकरी के, मतलब आप अगर थर्मोमीटर तोड़ दो, मरकरी के ना ड्रॉप्स बन जाते हैं स्फेरिकल, मतलब फ्लोर के ऊपर आपको जैसे जहां जहां भी मतलब रोल करते जाएंगे ऑफ कोर्स आपको मरकरी के छोटे छोटे ड्रॉप्स मिल जाएंगे, एंड मतलब आप आराम से जैसे आप मान लो कोई कागज लो, कागज के ऊपर आप वो सारे ड्रॉप्स कलेक्ट कर सकते हो, और ड्रॉप्स को कलेक्ट करके वापस आप मतलब किसी ट्यूब के अंदर इकट्ठा कर सकते हो, मतलब जितना मरकरी गिरी है आप वो सारी की सारा द्वारा इकट्ठी कर सकते हो। वर्सेस बच्चों मान लो फ्लोर पे पानी गिर जाए, क्या आप उस सारे के सारे पानी को वापस किसी और जगह इकट्ठा कर सकते हो? क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हो जाता है पानी के साथ? थोड़ा सा पानी फ्लोर पे स्टिक करेगा, राइट? आप उसको जिस भी चीज पे इकट्ठा करो, मान लो आप सोचो कि स्पंज से मैंने पानी एब्जॉर्ब करवा लिया या कुछ भी कर लिया, उसके अंदर रह जाएगा थोड़ा सा पानी, राइट? तो देर इज नो वे टू रिकवर द कंप्लीट वाटर। इन अदर वर्ड्स वाटर जिस जिस सरफेस को टच कर रहा है उसके साथ उसके ना थोड़े मॉलिक्यूल्स तो रह ही जाएंगे हमेशा। एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी, तो मैं आपको कह रहा था कि वाटर जिस भी सरफेस को टच करता है उसके साथ उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से थोड़े तो चिपकेंगे ही चिपकेंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों इस बात को, लेट अस से यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आप अगर आंखें बंद करके भी उसके अंदर अपना हाथ डालोगे और बाहर निकालोगे तो बाहर निकालने के बाद भी आपको थोड़ा तो गीला फील होता है, राइट? वो क्यों होता है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके हैंड के साथ चिपक गए, इजंट इट? यहीं पे अगर आप
मकरी के टब के अंदर अपना हाथ डाल के बाहर निकालो तो आपको अपना हाथ बिल्कुल ड्राई फील होगा, क्योंकि मकरी का कोई भी मॉलिक्यूल आपके हैंड के साथ नहीं चिपकेगा। इन सब बातों से बच्चों क्या समझ आ रहा है कि मकरी के मॉलिक्यूल्स में आपस में कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। दे प्रेफर टू स्टिक टू ईच अदर रादर देन स्टिकिंग टू एनी अदर सर्फेस। ठीक है, वाटर के साथ ऐसा नहीं है, वाटर तो आराम से दूसरी सर्फेसिस के साथ चिपकता है। इज इट बच्चों, मकरी में हाथ डालने से हाथ डैमेज हो जाएगा? अच्छा चलो भाई मत डालना, अगली बार से मैं एग्जांपल चेंज करूंगा। राइट। तो इन सब चीजों से बच्चा आपको एक बात समझ आ रही है कि जो मतलब कोहेसिव फोर्सेस मकरी में ज्यादा है और वाटर में कम है। ओके, तो इसके बेसिस पे बच्चों आप क्या कमेंट कर सकते हो अबाउट सरफेस टेंशन? वाटर वर्सेस मकरी, किसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है? मरकरी की, है ना? याद करो जब हमने सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन किया था, तो अगर मान लो उस वाले फिगर में जितना कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना और ज्यादा नीचे को खींचने की कोशिश की जाएगी मॉलिक्यूल्स को, उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, इजंट इट? तो हम बच्चों सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि सरफेस टेंशन जो है दैट इज, आई शुड नॉट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे कोहेसिव फोर्सेस बढ़ती हैं सरफेस टेंशन भी बढ़ती है, उल्टा एज एडहेसिव फोर्सेस इंक्रीज तो बच्चों ऑफ कोर्स दिस इज रिलेटिव राइट, कि कोहेसिव एडहेसिव से स्ट्रॉन्गर हो गई तो सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगी, एडहेसिव स्ट्रॉन्गर हो गई तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। इसी बात को बच्चों एक और एग्जांपल से समझते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से वी वॉश हैंड्स, तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब जैसे मान लो गंदे हैंड्स हैं तो सिंपल वाटर से वो क्लीन नहीं होंगे, लेकिन जब आपने सोप लगाया तो वो क्लीन हो जाएंगे। मतलब सोप क्या करता होगा सरफेस टेंशन के साथ? यस, तो क्या होता है जो सोप है बच्चों, इट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर।
जितनी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी उतना उसकी एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो गई। तो इसका मतलब अब जो सोप सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, वो डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे वो दिखाते हैं नहीं कोई भी एड में, मतलब जो वो डिटर्जेंट की या किसी की एड होती है कि अपने आप उसमें से जो दाग है वो निकलते जा रहे हैं, वो टाइड और वो सब जो आती है एड्स, तो वो क्या हो रहा है, बेसिकली हमने सरफेस टेंशन कम कर दी। तो सरफेस टेंशन जो है वो डर्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज आपने एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर कर ली, और फिर जब आपने ऑब्वियसली रिंस किया तो वो वॉश आउट हो गई। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन्स विद ऑयल। जैसे हमने कहा कि हमने बालों में तेल लगाया हुआ है, तो अगर बालों में तेल लगाया हुआ है तो नॉर्मल वाटर से रिंस करो तो वो तेल नहीं निकलेगा, है ना? जब आप शैम्पू लगाओगे या सोप लगाओगे तो तेल निकल जाएगा। यही होता है हमारा नॉर्मल प्रोसेस, तो वहां भी यही हो रहा है कि ऑयल अभी तो स्टिक किया हुआ है आपके हेयर के साथ। जब आपने सोप लिया, सोप सॉल्यूशन लिया, बेसिकली ये सोप शैम्पू सब कुछ सेम ही होता है, तो जब आपने ये लिया तो उस अब क्या हुआ, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई, तो अब ऑयल पार्टिकल्स हेयर से अलग हो गए, वो सोप सॉल्यूशन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो आई थिंक हम सफिशियंट एग्जांपल्स हो गए जिससे हमें ये बात समझ आ गई कि सरफेस टेंशन कम करने का मतलब है एडहेसिव फोर्सेस बढ़ाना, राइट? यहीं पे बच्चों हम एक और चीज लिख लेते हैं, टेम्परेचर के साथ भी वेरिएशन समझते हैं। अगेन प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, क्या कभी ये ऑब्जर्व किया है कि मतलब मान लो आप कहीं खेल कूल के आए हो, कोई फुटबॉल एटसेट्रा, बहुत गंदे होके आए हो, आपको कहा गया होगा कि गर्म पानी से नहा ले, या अगर ये नहीं हुआ तो ये तो बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा कि मान लो हम जब घर पे कपड़े धुलते हैं तो अगर ज्यादा गंदे कपड़े हैं तो ये कहा जाता है कि उनको गर्म पानी में धो, राइट? इससे डिटरमिन करो कि टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन होता होगा। वो डिक्रीज करती है, तो बच्चों यहीं पे ही हम आगे बात कर सकते हैं। अब हमने ऊपर देख ही लिया, हमें वाटर और मरकरी से बच्चों ये तो समझ आ रहा है कि जितना सरफेस टेंशन बढ़ती है उतना एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ता जाता है। ना ब्रॉडली हम देख के कह सकते हैं भाई मरकरी की सरफेस टेंशन ज्यादा है, मरकरी के इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ा है। वाटर के लिए ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि अक्यूट है या जीरो ही है। तो जितना सरफेस टेंशन बढ़ती है बच्चों उतना एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है। तो यहीं पे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की भी बात कर सकते हैं।
तो बच्चों आपको मतलब टेम्परेचर, सरफेस टेंशन और एंगल ऑफ कांटेक्ट तीनों की आपस में जो रिलेशंस बनते हैं वो समझ आने चाहिए। इसमें देखो अगर कोई भी डाउट है तो। हाँ बच्चों ये क्लियर है सबको? ओके सो दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों यहाँ पे तीन चार लाइंस छोड़ देना, बाई चांस क्वेश्चंस करते हुए हमें लगा कि कोई और पॉइंट नोट कर लेना चाहिए वो हम यहाँ नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वी मूव टू, ये थ्रेटिकल कंसेप्ट ही है बच्चों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है हाँ मतलब वो इनडायरेक्टली यूज ही होगा बस आपका कुछ क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वी मूव टू अ फिनोमिना नोन एज ऑफ कैपिलैरिटी। कुछ तो डबल होता है इसमें या सिंगल ही होता है सारा कुछ कैपिलैरिटी में? एल डबल है। हाँ बच्चों तो कैपिलैरिटी क्या फिनोमिना होता है? अच्छा बच्चों एक मिनट मैं आपको एक ना वीडियो दिखाता हूँ इस पे जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, मतलब थोड़ा सा पार्ट उसमें आएगा। एक मिनट बस मैं ढूंढ रहा हूँ। भाई मैंने एक क्वेश्चन भेजा था आपको ग्रुप पे, वो सिर्फ एक बच्चे ने मुझे, निष्ठा ने उसका आंसर निकाल के भेजा और किसी ने नहीं भेजा। शर्म करो थोड़ा। ये बच्चों मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता रहा हूँ, ये ना बेसिकली आई थिंक दिस इज हाँ कैनेडियन स्पेस एजेंसी। हाँ यही था आदित्य। ठीक है हाँ करण नूर यही वाली वीडियो है। तो व्हाट दे डू इज दे कंडक्ट सम एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस एंड वो नीचे शो करते हैं बच्चों को अर्थ पे, ताकि मतलब हम बहुत बार ऐसी सिचुएशन बोल देते हैं कि हाँ जी ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा, बट हम उसको कभी विजुलाइज नहीं कर पाते। तो उन्होंने ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए हुए हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक पार्ट दिखा रहा हूँ इसका। तो
तो ये आपको यहाँ पे मतलब ये समझ आएगा जो मैं वाटर की एडहेसिव फोर्सेस की बात कर रहा था। The question is, if you get a cloth dripping wet without gravity and you wring it out, what's going to happen? What will happen to a wrung out cloth? So, and had to use equipment that was here on board the space station. We may have the coolest washcloths ever here on the space station. I'm going to show you. Here's one of our washcloths. And it's compacted. It's put down into this little tiny hockey puck so that it saves space. But when you open up a hockey puck and you pull out your washcloth, this is the one I'm going to use for the experiment today. And so when you open up your hockey puck and turn it into a washcloth, it was compressed in a great big vise somewhere. Okay, so here's my washcloth, like a magic trick. And now I'm going to get this soaking wet, and then we're going to see what'll happen when we wring it out. Merritt and Kendra suggested that I dip this in a bag, but bags don't hold water in space, so instead I filled a water bag. This has drinking water in it. And I'm going to squirt a bunch of water into this washcloth. अच्छा, एक बात तो ये ऑब्जर्व करो जो हम पिछले दिनों बात कर रहे थे ना कि वाटर ड्रॉप्स असली में तो स्फेरिकल नहीं होते, तो मैंने आपको बोला था ग्रेविटी का इफेक्ट है, तो देखो स्पेस में तो वो बिल्कुल स्फेरिकल ही होंगे। Okay, so here's a soaking wet washcloth. Get the microphone so you can hear me while I'm talking. And now let's start wringing it out. It's really wet. It's becoming a tube of water. The water is all over my hands. In fact, it rings out of the cloth into my hands. And if I let go of the cloth carefully, the water sort of has it stick to my hand. Okay, so the experiment worked beautifully. And the answer to the question is, the water squeezes out of the cloth, and then because of the surface tension of the water, it actually runs along the surface of the cloth and then up into my hand, almost like you had jello on your hands or gel on your hand, and it'll just stay there. Wonderful moisturizer on my hands. And the cloth doesn't really unravel itself. It just stays there floating like a dog's chew toy, soaking wet. Great experiment, worked perfectly. Meredith and Kendra, congratulations, great idea. हाँ बच्चों, आया समझ? ओके। तो आपने देखा था ना, वो बाद में उसने वो क्लॉथ टॉवल निकाला था, उससे वाइप आउट करेगा वो फिर वाटर को। वो मतलब जो सारा पानी चिपक रहा था, दैट वाज ड्यू टू सरफेस टेंशन। हम मतलब फिर भी उतना नहीं ऑब्जर्व कर पाते बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इनके और भी बड़े सारे वीडियोस हैं, मतलब हर टाइप के, कि मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस में मतलब कैसे आप जो भी और कितने सारे प्रोसेसेस हैं वो कैसे करते हो, खाना कैसे खाते हो,
सोते कैसे हो एंड सो ऑन. ओके, तो बच्चों कैपिलैरिटी क्या फिनोमिना होता है कि अगर हम जैसे एक कंटेनर लें, फिल्ड विद वाटर, एंड हम उसके अंदर एक बच्चों ऐसे एक पतली सी ट्यूब डालें, ठीक है, सिंपली एक ट्यूब है, ऊपर से ओपन है. हमने इस ट्यूब को इसके अंदर इमर्स कर दिया, ठीक है. तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज कि इस ट्यूब के अंदर वाटर राइज कर जाएगा एंड फाइनली कुछ ये सिचुएशन बन जाएगी. मतलब इट विल अपियर एज इफ वाटर इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी और अब ऐसे अपने आप से इस ट्यूब के अंदर खड़ा है. बिल्कुल अगर हम यही चीज बच्चों मर्करी के केस में करें, तो मर्करी के अंदर बच्चों हमें इस तरीके से दिखेगा. तो मतलब कैपिलैरिटी क्या फिनोमेना हो गया, इट इज लाइक फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब. तो बच्चों गिव मी सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलैरिटी. यस, वन एग्जाम्पल इज प्लांट्स में जो नीचे रूट से ऊपर पानी जाता है लीव्स तक या कहीं तक भी, वो जो फिनोमिना है दैट इज कैपिलैरिटी. यस, और कोई एग्जांपल? जैसे बच्चों कैंडल होती है या दिया होता है, उसमें जो फ्यूल है जो बर्न होना है वो तो नीचे है ना, जो उसकी विक है फ्लेम ऊपर है, तो वो जो ऑयल हो गया या जो वैक्स हो गई वो उस कॉटन की विक के थ्रू नीचे से ऊपर जा रही है ना.
वो फिनोमेना भी कैपिलैरिटी है। एक बच्चों आप आई थिंक बहुत लोगों ने स्कूल्स में किया होगा, जैसे चौक लो, चौक में अगर किसी भी एक पॉइंट पे पायलट पेन या इंक पेन टच करो तो वो उसमें आगे पूरा फैलता है। या यस पेपर पे भी फैलता है बिल्कुल, या चॉक को इंक में डिप कर दो तो ऐसा नहीं है कि जहां तक डिप किया है वो वहीं तक ब्लू होगा, चॉक उसके ऊपर तक भी ब्लू हो जाता है। तो वो अभी चॉक में टाइनी होल्स होते हैं, वो कैपिलरीज की तरह एक्ट करते हैं। एक निष्ठा ने खतरनाक सी टर्म बताई है, क्रोमैटोग्राफी, उसमें भी होता होगा, मुझे नहीं पता क्या होता है क्रोमैटोग्राफी। ये क्या कुछ बायो में होता है क्या या केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में। ओके बस बस बस, और नहीं, सेपरेशन मेथड होता है भाई कुछ। ओके तो अब वी विल ट्राई टू ड्राइव कि ये कितना राइज करता है लिक्विड। तो बच्चों बड़ी अच्छी सी डेरिवेशन है इसकी, मतलब बेसिकली ये डेरिवेशन इज अ रीकैप ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। मैं जस्ट फॉर क्लैरिटी ट्यूब को थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ, मतलब मैग्नीफाइड व्यू दिखा रहा हूँ मैं। तो हम बच्चों ये हाइट एच डिराइव करना चाहते हैं। ओके तो बच्चों आप ये देख सकते हो कि ये जो ऊपर जहां मेनिस्कस बन रहा है वो एक तरह से छोटा सा स्फीयर का पार्ट बन रहा है। हाँ जी, तो मतलब ये जो ऊपर जो ये जो शेप है ये ऐसे किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगी, है ना? इसको अलग दिखा देते हैं, यहाँ नहीं दिखाते। ये हो गया आर, दिस इज द रेडियस ऑफ ट्यूब एंड ये हो गया कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझनी ये जरूरी है कि क्या आप ये रियलाइज कर रहे हो बच्चों कि मतलब
देर आर टू सेपरेट थिंग्स, वन इज रेडियस ऑफ ट्यूब, अदर इज रेडियस ऑफ द कर्व सर्फेस. ये दो अलग बातें हैं. राइट. तो स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब, एंड अगर हमें ये एंगल थीटा पता हो तो हम उसके बेसिस पे रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस निकाल सकते हैं. हाँ बिल्कुल. अगर अगर हम एग्जांपल ऊपर वाला लेते, ये जो प्योर वाटर और ग्लास वाला है, तो ये दोनों रेडियस सेम हो जाते हैं क्योंकि नीचे बिल्कुल परफेक्ट हेमिस्फीयर ही बन रहा है. बच्चों ये बात सबको समझ आ रही है? तो यहां से देख के बताओ स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन हो गया. क्लियरली वी कैन सी कि स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू कॉस थीटा. राइट. बच्चों मुझे ध्यान से देख के बताओ ये थीटा क्या है. क्या ये थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ही नहीं है? तो ये एंगल भी थीटा ही होगा. तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की हेल्प से हमारे को स्मॉल आर और कैपिटल आर रिलेशन पता चल जाता है. ठीक है जी. अब बच्चों हम चार पॉइंट्स लेते हैं. एक पॉइंट इस सरफेस के जस्ट ऊपर, एक पॉइंट सरफेस के जस्ट नीचे, एक पॉइंट थ्री इधर और एक पॉइंट फोर यहां. ठीक है जी. तो बच्चों what is pressure of point one? P naught, है ना भाई. पॉइंट वन तो सीधा सीधा हवा में ही है, उसका प्रेशर तो P naught ही होगा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है. अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ बच्चों, व्हाट विल बी प्रेशर ऑफ पॉइंट टू. नहीं, द हाइट डिफरेंस बिटवीन वन एंड टू इज नेग्लिजिबल. इग्नोर
डिफरेंस इन हाइट्स, मतलब कोई रोजी एच की टर्म नहीं आएगी। इसके अलावा सोचो कि 1 और 2 में क्या। राइट साइड वाले फिगर को देखो बच्चों, उससे थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। रो जी एच टाइप्स तो कोई टर्म आएगी ही नहीं, मतलब सोचो कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व है। राइट साइड वाले फिगर से आपको आइडिया लगना चाहिए। यस, यहाँ कंसेप्ट लगेगा एक्सेस प्रेशर का बच्चों। एक स्फेरिकल सरफेस है ना, तो वो एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट लगाओ। उसीलिए तो हमने उस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस निकाला है। तो एक्सेस प्रेशर वाले कंसेप्ट से बताओ कि 1 और 2 के प्रेशर्स में क्या लिंक होगा। इतना टाइम नहीं हर्ष,
अभी तक कोई सही आंसर नहीं आया मेरे पास। करो भाई ध्यान से। हाँ बच्चों, ये करण ठीक है, विदुषी ठीक है, आदित्य गलत है, ध्यान से करो, निष्ठा गलत है, अनुराग सबसे पहले तो बच्चों एक लॉजिकल बात ये सोचो कि 1 और 2 में किस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होएगा।
ये जो राइट साइड पे स्पीयर है, आप क्या बोलोगे उसमें? वन और टू में प्रेशर्स का रिलेशन कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होएगा, कहाँ पे एक्सेस प्रेशर होगा, वन में या टू में? वन में होगा ना? और एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में, तो ये वैल्यू बन जाएगी ना पी टू की। देखो तो 1 पॉइंट स्फीयर के अंदर है ना, तो ऑब्वियसली 1 का प्रेशर ज्यादा होगा 2 के कंपैरिजन में। स्फीयर के अंदर प्रेशर होता है ना ज्यादा। हाँ बच्चों ये क्लियर हो गया, 2 का प्रेशर ये क्यों आया, P0 - 2S/R, राइट? मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि सेकंड वाले फिगर को देखो, राइट साइड वाले को, यहां पे स्फीयर विजुअलाइज हो रहा है। इससे क्लियर होता है कि अगर आपको मैं सिर्फ ये सेकंड वाला फिगर दिखाऊं तो आप क्या कहते, आप ये नहीं कहते P1 = P0, P2 + 2S/R। तो उससे ही आया। और इसीलिए हमने ये रेडियस निकाला था, उसको बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और ऑब्वियसली एक ही सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में। एंड नो डाउट कि ये पूरा स्फीयर नहीं है, बट स्फीयर का पार्ट तो है, तो रिलेशन तो वही रहेगा। ओके अब बच्चों 0.3 का प्रेशर क्या हो जाएगा? थ्री तो बस 2 के नीचे है एच, तो ये तो सीधा सीधा P2 + ρgH हो गया। और 4 का प्रेशर क्या हो जाएगा? 4 एयर के कांटेक्ट में, तो एंड ये 3 का प्रेशर ऑब्वियसली 4 के इक्वल भी होना चाहिए क्योंकि 3 और 4 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो देखो यहां से क्या बन गया, P0 - 2S/R + ρgH = P0। तो यहां से हमारे पास H का फॉर्मूला बन गया,
मैं बचाओ अगर सब्सटीट्यूट कर दूं, 2s cos theta by rho gr। तो ये बहुत ध्यान रखना है, इस मामला में r जो है वो रेडियस ऑफ ट्यूब है। इसको बच्चों असेंट फॉर्मूला भी कहते हैं। हाँ बच्चों, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको? तो बच्चों इस फॉर्मूला से क्या होगा कि जैसे अपने आप ही अगर हम मरकरी वाला केस लेंगे तो वहां पे कॉस थीटा वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो एच नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। और इस फॉर्मूला से बच्चों हमें एक बात ये भी क्लियर हो रही है कि ये हाइट जो है ये थोड़ी सी सिग्निफिकेंट तब आती है अगर आर बहुत छोटा हो, क्योंकि अदरवाइज क्या है, एस इज जनरली वेरी स्मॉल। अब नीचे डेंसिटी की टर्म आ गई जो कि मतलब थाउजेंड्स में होती है, ग्रेविटी आ गई, तो अगर आर बहुत छोटा होगा एमएम में होगा तो जाके ये हाइट कुछ आएगी, अदरवाइज तो मतलब हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं देखने को मिलता है ये फिनोमेना, है ना। जैसे अगर आपके पास एक पानी की बॉटल है ग्लास की, उसमें आपको नहीं दिखेगा ये फिनोमेना। ये बात समझ आती है बच्चों? ओके तो बच्चों अगर हम ट्यूब टेडी भी ले लेंगे ना ऐसे, तो भी हाइट सेम आएगी। ठीक है बच्चों, आपने बच्चों होमवर्क में एक बात ट्राई करनी है। आप क्या करोगे, ये जो लिक्विड का जितना पोर्शन ऊपर चढ़ा है ना, मैं लार्ज फिगर बना रहा हूं, ये वाला लिक्विड का पोर्शन है ना H, आपने इसका FBD बनाना है। ठीक है, और आपने देखना है कि क्या आप सीधा FBD से फोर्सेस बैलेंस करके, भाई ऑब्वियसली ये जो पार्ट है ये इक्विलिब्रियम में है ना, रेस्ट पे है ये पार्ट, मतलब सिलेंड्रिकल सा जो पार्ट है ये क्रेस्ट पे पार्ट है, तो अगर हम इस पे फोर्सेस बैलेंस करें तो होनी चाहिए फोर्सेस बैलेंस। तो आपने वो फोर्सेस बैलेंस करके देखना है कि क्या वही सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता जो हमने ऊपर निकाला। ठीक है, अच्छा बच्चों ऊपर वाला केस आपको ये समझ आया?
कैसे इसमें हमने सारे चैप्टर के कंसेप्ट्स यूज कर लिए। इस डेरिवेशन में हमने एक्सेस प्रेशर यूज किया, हमने वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल यूज किया, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल यूज किया, हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यूज किया, इजंट इट? और अगर बच्चों आप दूसरे तरीके से ऐसे ड्राइव कर लोगे तो जो एक आधा कंसेप्ट ऊपर वाले डेरिवेशन में नहीं यूज हुआ वो भी रिवाइज हो जाएगा आपका, जैसे हमने पहले किए थे फोर्स बैलेंस वाले क्वेश्चंस, उनमें जो कंसेप्ट यूज किए थे। ऑलराइट, तो आपने बच्चों अब होमवर्क में पक्का से एक्सरसाइज 01 में जो अगला पार्ट था सरफेस टेंशन का जे, और 3A में जो भी सरफेस टेंशन वाले पार्ट थे, मुझे याद नहीं एक थे या दो थे, सरफेस टेंशन या कैपिलैरिटी, वो खत्म करने हैं। ऑलराइट, आई जे ही होंगे मेरे ख्याल, फिर भी एक बार देख लें, ये पक्का से करने हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में अपना हो जाएगा ये चैप्टर पूरा। चलो ओके बच्चों, बाय।